सो चिल्ड्रेन टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ एपीथीलियल टिश्यू बिकॉज इन लास्ट क्लास वी ऑल हैव डिस्कस सिंपल तो अब हम लोग क्या करेंगे दूसरा जो टाइप है एपीथीलियल टिशू का वो कम्पाउंड एपीथीलियल टिश्यू कम्पाउंड का मतलब क्या होता है मोर दैन वन लेर हैविंग मोर दैन वन तो ऐसा कम्पाउंड एपीथीलियल टिशू च इज मेड अप ऑफ मोर दैन वन लेर ऑफ सेल बहुत सिम्प्लीफाइड लैंग्वेज में मोर दैन वन लेर ऑफ सेल तो इनका काम क्या होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में एंड वट टाइप ऑफ फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे कवर द सर्फेस वेयर कॉन्स्टेंट रिप्लेसमेंट ऑफ सेल इज रिक्वायर्ड कहाँ पे कांस्टेंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, है? जहाँ पे सेल हमेशा वियर और टीयर होता है बाय फ्रिक्शन सर्टेनली, तो दे कवर द सरफेस वेयर कांस्टेंट रिप्लेसमेंट ऑफ सेल इज़ रिक्वायर्ड ड्यू टू रैपिड वियर एंड टीयर बाय वेरियस कॉजेज यू कैन से बाय फ्रिक्शन आल्सो, ठीक है सो नेक्स्ट इज़ वॉट स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथीलियल टिश्यू स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या हुआ दैट इज़ ऑल्सो ऑफ हैविंग नंबर ऑफ लेयर्स तो ऐसा सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो उनको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे तो पहले भी हमने बताया था कि जब भी टाइप सब टाइप किसी को भी क्लासीफाई करते हैं तो देयर इज़ सम बेसिस किस बेसिस पे तुम रिकॉग्नाइज करोगे कि इनका टाइप्स क्या है तो किस बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन सुपरफिशियल लेयर सुपरफिशियल मीन्स आउटर लेयर तो ये चार टाइप्स के होते हैं सिर्फ हम लोग अभी एग्जाम्पल को देख लेंगे और थोड़ा डिटेल में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपीथीलियल टिश्यू, नेक्स्ट कहते हैं स्ट्रेटिफाइड की बॉयडल एपीथीलियल टिश्यू, नेक्स्ट स्ट्रेटिफाइड कॉलिमिनर सिलियेटेड एपीथीलियल टिश्यू एंड द लास्ट वन स्ट्रेटिफाइड कॉलिमिनर एपीथीलियल टिश्यू. तो इन सिंपल फॉर्म वी हैव डिस्कस्ड विदाउट द एडिशन विदाउट द प्रिफिक्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड तो सबको पता होगा कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ में ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी कोई मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेयर्स नहीं था लेकिन जैसे ही ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के वैराइटीज़ में टाइप्स में आया यहाँ पे फर्स्ट रिकॉग्निशन इज़ व्हाट, दे आर हैविंग मोर देन वन लेयर सो एग्रीगेशन ऑफ लेयर्स वी आर ऑब्जर्विंग हीयर ठीक है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वासपीथीलियल टिश्यू है क्या स्क्वामस वी ऑल नो दैट इज द वेरी सिंगल लेयर ऑफ सेल मेन्ट फॉर डिफ्यूजन अगले अगर हम लोगों ने ये इस चीज को डिस्कस किया था तो अब ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोसैपीथीलियल टिश्यू है क्या तो सेल्स इन द डीपेस्ट लेयर जो डीप लेयर में सेल्स होते हैं दे आर कॉलिमर और क्यूबोइडल लेकिन उनका जो न्यूक्लियाई अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल ओवल शेप्ड में होता है ठीक है तो इसे कहते हैं जर्मिनेटिव लेयर तो जर्म इफ द क्वेश्चन इज आस्ड फॉर वन मार्क्स वॉट डू यू मीन बाय जर्मिनेटिव लेयर तो क्या बताओगे वैसे सेल जो डीपेस्ट लेयर में हैं और वो कॉलिमर या क्यूबॉइडल सेल्स हैं नेचुरल है कि दोनों में अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई होता था लेकिन वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि न्यूक्लियाई एट द बेस और न्यूक्लियाई रैंडमली प्रेजेंट तो यहाँ न्यूक्लियस होगा लेकिन ओवल शेप में होगा ठीक है इसको हम जर्मिनेटिव लेयर कहते हैं ठीक है तो अब देखो जैसे है एक एग्जाम्पल है कैरेटेनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियल टिश्यू ये क्या होता है कैरेटीन कैरेटेनाइज मीन्स हैविंग द कैरेटीन इट इज़ अ प्रोटीन लेयर तो वैसा सेल्स द सेल्स ऑफ आउटर फ्यू लेयर्स विच रिप्लेस देयर साइटोप्लाज विथ वेरी हार्ड एंड वाटर प्रूफ प्रोटीन जिसको कहते हैं किरेटीन और हॉर्न तो वैसा सुपरफिशियल लेयर जो अपने साइटोप्लाज्म को रिप्लेस करता है एक वाटर प्रूफ प्रोटीन लेयर से जिसको कहते हैं करेटीन या हॉर्न इसको कहते हैं कैरेटिनाइजेशन या कॉर्निफिकेशन इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्लेसिंग ऑफ साइटोप्लाज्म विथ हार्ड लेयरिंग ऑफ प्रोटीन उसको कहते हैं करेटनाइजेशन और कॉर्निफिकेशन तो ये सेल कैसा होता है डेड सेल होता है कंप्लीट डेड सेल्स तो दीज अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स आर वॉट फ्लैट डेड सेल्स और इसको कहते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम या हॉर्नी लेयर ठीक है तो ये जो हेवी यहाँ पे क्या होता है हेवी डिपोजिशन ऑफ क्रेटिन इन अ डेड सुपरफिशियल सेल्स ये क्या करता है ये जो डेड डिपोजिशन है क्रेटिन का ये इन सुपरफिशियल सेल्स में वो दैट मेक्स एपिथीलियल टिश्यू इम्परवियस टू वाटर एंड हाईली रेसिस्टेंट नेचुरल है जब डिपोजिशन होगा ये डेड कैरेटीन लेयर्स का सेल्स में तो वो क्या बनाता है इट मेक्स द सर्फेस वाटर प्रूफ एंड हाईली रेसिस्टेंट टू मैकेनिकल एबरेशन दैट क्लियर तो ऐसे टिश्यू ऐसे पिथीलियल फॉर्म्स द एपिडर्मिस ऑफ स्किन इन लैंड वॉटी जितने भी लैंड वॉटी हैं उनके सरफेस को देखोगे एपिथीलियल लेयर्स को देखोगे तो वो वैसे ही हार्ड एंड क्वारिफाइड स्किन होते हैं एंड यू विल बी हैविंग द टच व्हेन यू विल टच दिस लैंड वॉटी ऑफ वेरियस टाइप्स तो यू विल बी गेटिंग द वेरी हार्डनेस तो ये कैसे होता है दैट इज ड्यू टू ऐसे लेयरिंग को कहते हैं क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियल जो कि इम्परवियस टू वाटर इन एनी अदर मटीरियल्स होता है और हार्ड एंड बनाता है ठीक है जैसे एक एग्ज़ाम्पल है नॉन कैर्टनाइज का वो प्रेजेंट प्रोटेक्टिव है अगेंस्ट एवरेशन और इसमें क्या होता है ये लाइनिंग होती है बकल कैविटी में फैरिंग्स में वो सोफेगस में सो दीज आर दिंग्स प्रेजेंट अब एक एग्जाम्पल जो दूसरे टाइप का देखोगे स्ट्रेटिफाइड कि वाइडल एपिथीलियर वो कैसा होता है स्ट्रेटिफाइड जब हमने कहा तो सर्टेनली मोर देन वन लेयर्स हो गए और वैसे लेयर्स ऑफ सेल्स वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं जैसे स्लेवरी ग्लैंड में स्वेट डक्ट में ऐसे एग्जाम्पल होते हैं स्ट्रेटिफाइड कोवाइडल एपिथेलियल टिश्यू अब है स्ट्रेटिफाइड कॉलेमल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू इसमें क्या होता है इट्स आउटर लेयर कंटेन सिलिएटेड कॉल्यमर सेल आउटर सरफेस पे सिलिएटेड कॉलमिनर सेल्स होता है एंड बेसल लेयर्स ऑफ कॉल्यमर सेल्स तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है लैरिंग्स में लैरिंग्स एंड अपर पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट ये हमारे बॉडी uh, पार्ट्स में इनर पार्ट्स में प्रजेंट होता है अब है लास्ट वन स्ट्रेटिफाइड कॉलिमिनर एपिथेलियल टिश्यू ये क्या करता है कॉलम्स अरेंजमेंट ऑफ सेल्स आर इन कॉलम्स बोथ सुपरफिशियली एंड एट बेसल सरफेस ठीक है और ये क्या करता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है पिग्लॉटिस जिनको कहते हैं और मेमोरी ग्लैंड में भी ये डक्ट जो है मेमोरी ग्लैंड का वहाँ पे ये कवर होता है तो क्यों होता है चूंकि एपिथेलियल टिश्यू है इन वेरियस फॉर्म और सिंपल वी हैव सीन बट जो कंपाउंड एपिथेलियल है कंपाउंड मींस हैविंग इन नंबर ऑफ सेल्स नंबर ऑफ लेयर्स और वो नंबर ऑफ लेयर्स का हमारे इनसाइड बॉडी ऑर्गन्स में क्या क्या फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव तो है ही बट हाउ दे आर मेकिंग द सर्फेस अलाइव एंड फंक्शनल दे आर प्रेजेंट अकॉर्डिंगली तो यू विल बी सींग आई एम सेंडिंग द डायग्राम यू विल सी दैट वॉट आर द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी सिस्टम इज दैट क्लियर अब एक टिश्यू है चिल्ड्रन जिसको कहते हैं ग्लैंडुलर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्लैंडुलर इट्स क्वाइट क्लियर विद दिस नेम ग्लैंड ये कैसा होता है कुछ ऐसे कॉलिमर और क्यूबॉइडल सेल्स हैं दे गेट स्पेशलाइज्ड ओनली फॉर सिक्रीशन एंड दे फॉर्म ग्लैंडुलर एपीथीलियल टिशू इज दैट क्लियर तो ये दो टाइप के होते हैं एक यूनी सेल्ड ग्लैंडुलर एपीथीलियल टिशू और दूसरा होता है मल्टी सेल्ड ग्लैंडुलर एपीथीलियल टिशू तो यूनीसेल्ड में क्या होता है गॉबलेट सेल्स याद आया वॉट आई टोल्ड इन द प्रीवियस क्लास गॉब्लेट सेल किसको कहते हैं वैसा कॉलुमिनर सेल्स जो म्यूकस सिक्रीट करता है एंड कीप्स द सरफेस सर्फेस एंड स्लिपरी उसे कहते हैं गॉबलेट सेल्स डाइग्राम आई हैव सेंट यू विल सी वेरी क्लियरली सो दिस गॉबलेट सेल इट इज हैविंग द यूनी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथीलियल चूंकि इनका काम क्या है सिक्रीशन ऑफ म्यूकस ठीक है ये सिंगल और सिंगल सेल ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू होता है नाउ कम टू द नेक्स्ट मल्टी सेल वैसे क्या है क्या अरेंजमेंट है सेल का तो ये क्लस्टर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स को कंटेन करता है और उसको कहते हैं एक्स्ट्रा एपिथेलियल सेल्स

और जब क्लस्टर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है तो उनका काम अकॉर्डिंगली होता है इन सिक्रिशन तो ये दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल इन सेलेवरी ग्लैंड इज दैट क्लियर इफ द क्वेश्चन इज आस्ट वॉट डू यू मीन बाई ग्लैंड तो क्या लिखोगे वैसा सेल सेल कह सकते हो अ सेल टिश्यूज़ और ऑर्गन विच सिक्रीट सम सब्सटेंस इज कॉल्ड ग्लैंड ठीक है तो सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड मे बी प्रोटीनस जो कि पेंक्रियाज है इन ब्रैकेट यू कैन राइट द पेंक्रियाज लिपिड्स दैट इज एड्रीनल ग्लैंड जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है और मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन वो कहाँ पे होता है सिलेवरी ग्लैंड में या मिक्सचर ऑफ ऑल द थ्री मटेरियल्स दैट इज़ यू विल बी गेटिंग इन मैमरी ग्लैंड फॉर सिक्रेशन ऑफ मिल सो देयर इज एग्रीगेशन मिक्सचर ऑफ ऑल द थ्री एंड यू विल बी गेटिंग इन मैमरी ग्लैंड दैट क्लियर अब है कि ये ग्लैंड जो है अब इनका टाइप्स क्या क्या है तो थ्री टाइप्स एक्सोक्राइन एंडोक्राइन एंड हेटरोक्राइन तो इनका जो टाइप्स है वो किस चीज़ पे बेस्ड है द ग्लैंड्स कैन बी एक्सोक्राइन एंडोक्राइन और हेटरोक्लाइन दे आर बेस्ड ऑन द साइट वेयर द सिक्रीशन इज रिलीज इस इन ग्लैंड्स का सिक्रीशन कहाँ रिलीज होता है इनके बेसिस पे तीन एक्सोक्राइन मीन्स व्हाट वैसा ग्लैंड विच हैज़ हैविंग डक्ट्स डक्ट्स मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी सिक्रीशन तो वैसे ग्लैंड जिनके पास डक्ट हो और वो डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है मतलब डाइजस्टिव ग्लैंड जो एन्ज़ाइम सिक्रीट करते हैं एन्जाइम कंटेन करते हैं अपने सिक्रीशन के साथ डायजेस्टिव जूस के साथ उनको कैरी करने के लिए जो ग्लैंड प्रजेंट होता है उनको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड तो कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड एग्जाम्पल होगा एक्सोक्राइन का एंडोक्राइन दे डोंट हैव डे आर डक लेस तो कह सकते हो कि इनका सिक्रीशन कैसे होगा तो वेन दे आर डकलेस, द दिक्रीशन इज सिक्रीटेड फ्रॉम द ग्लैंड लाइक हार्मोन जो कि एक हेट्रोजिनस कंपाउंड है केमिकल कंपाउंड है तो इट इज सिक्रीटेड डायरेक्टली फ्रॉम द गलैंड एंड पोर्ड इन टू ब्लड हेट्रोक्लाइन दैट ग्लैंड इज वॉट इसको मिक्सोक्राइन भी कहते हैं इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है पेंक्रियाज इसमें क्या होता है आउटर इसका जब टी एस स्ट्रक्चर देखोगे तो आउटर इज़ अरेंजमेंट ऑफ लोब्यूल जो कि स्मॉल राउंडर स्ट्रक्चर होता है अरेंजमेंट ऑफ सेल होता है तो ये जो लोबुलर पार्ट है इट्स सिक्रीट एंजाइम्स, जूसेस और ये पेंक्रियाटिक इंजाइम्स को कंटेन करता है इसका सिक्रेशन तो आउटर सरफेस क्या हो गया पेंक्रियाज का एज एक्सोक्राइन वेयर एज इनर पार्ट इनर सरफेस पे एक आइसलेट ऑफ लैंगर हैंस होता है वो एंडोक्राइन के जैसा एक्ट करता है मींस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एक्टिंग एज द एंडोक्राइन जो सुने हो इंसुलिन दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा सेल्स तो बीटा सेल्स दैट सीक्रीट इंसुलिन विच इज़ रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग और स्टेबिलाईजिंग द सुगर लेवल इन आवर ब्लड नाउ लास्टली वी विल बी सीन दैट वॉट आर द फंक्शंस ऑफ एपीथीलील टिश्यू तो फर्स्ट क्या है एपीथीलियल प्रोटेक्टिव तो है ही so first should be the epithelial tissue protects certainly the underlying tissues ya yeah, underlying whatever the area ya yeah, wo blood ho blood vessels ho tissues ho so they are first of all protecting the underlying tissue from mechanical injury entry of germs harmful chemicals and drying up इतने सारे प्रोसेस से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है नेक्स्ट इट चेक्स द एब्जॉर्बन ऑफ हार्मफुल और अननेसेसरी मटेरियल्स इतने सारे ये फंक्शन को परफॉर्म करता है नेक्स्ट कुड बी द दिथीलियम ऑफ लाइक यूनिफेरस ट्रिब्यूल जो किडनी में होता है दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर यूरिन सिक्रीशन यहाँ भी इसका फंक्शन है इज दैट क्लियर नेक्स्ट एपिथीलियम ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया और वो उनका जैसे ही ग्लैंड का नाम आता है वी कंसिडर दैट सर्टनली सिक्रीशन शुड बी फ्राम दे एयर एज म्यू या वो म्यूकस हो गैस्ट्रिक जूसेस हो या इंटेस्टिनल जूसेज हो तो ये वहाँ भी प्रजेंट होता है और उस ग्लैंड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है जो ये डिफरेंट सिक्रेशन को सिक्रेट करते हैं नेक्स्ट द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरीज एंड सेमनीफेरस टिब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस दे प्रोड्यूस ओवा एंड स्पर्म रिस्पेक्टिवली तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स को भी ये मेंटेन करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड सिक्रीशन ऑफ द जम सेल को लाइक ओवा इन फीमेल एंड स्पर्म इन मेल को भी ये प्रोवाइड करता है सो आई थिंक वन वी कैन ऑल्सो डिस्कस दैट इज सिलीथीलियल जिसका बहुत बड़ा रोल है और हम लोगों ने डिस्कस किया है सिलिटेड मीन्स फॉर द फंक्शन टू प्रोपेल पुश तो ये रेस्परेटरी ट्रैक्ट में और जेने जेनाइटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है जैसे ये वहाँ पे तो गॉबलेट सेल्स की भी लाइनिंग होती है नॉस्टल्स में तो वो सर्व करता है म्यूकस को कंडक्ट करता है और अदर फ्लूइड्स इन द डक्ट्स को भी वो लाइन अप करता है तो सिलियेटेड एपिथेलियल टिश्यूज़ जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जेनाइटल ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं एंड नंबर ऑफ सेल्स फंक्शंस को भी प्रोवाइड करते हैं और जब क्रेटेनाइज होंगे मतलब डेड सेल होंगे स्टेटिफाइड जो हम लोगों ने डिस्कस किया जो कम्पाउंड एपीथीलियल टिश्यू का सब टाइप्स था वो क्या करता है हार्डनेस प्रोवाइड करता है लाइक हेयर्स नेल्स और एनिमल्स में क्लॉस हो जाएंगे हॉर्नस हो जाएंगे बर्ड्स में फैदर्स हो जाएगा तो ये सारे जो हैं ये क्रेटनाइज एपिथीलियल स्ट्रेटिफाइड एपीथीलियल टिश्यू के टाइप्स हैं सो आई थिंक इट विल बी ऑल ओवर फॉर टुडे क्लास